माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट की बैठक सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के सभाकक्ष में किया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रांतीय सचिव यशवंत सिंह ने किया। बैठक में संघ के जिला अध्यक्ष दिग्विजय नाथ पांडे, महामंत्री रविंद्र प्रताप चंद, मार्कंडे प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और शिक्षक मौजूद रहे। बैठक में 27 नवंबर को सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई तथा सम्मेलन को बृहद रूप देने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में बताया गया कि 27 नवंबर को आयोजित मंडलीय सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष MLC ओम प्रकाश शर्मा शिरकत करेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला महामंत्री रविंद्र प्रताप चंद ने कहा, संगठन की किसी व्यक्ति की लड़ाई में तो देखिए सफलता कोई जीता और न जीता अपनी जगह है। तो आकांक्षी हूँ कि इस डॉक्टर प्रमोद सिंह ने कहा है, आप बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं हमारे, बड़े युक्त किया गया सारे लोगों के द्वारा, तो जो धन से भी होगी और शरीर से भी होगी इसकी, तो वही संगठन की शक्ति को उसको हमको कुछ लौटाना है, कुछ ऋण चुकता करना है, पूरा ऋण तो होगा भी नहीं चुकता, तो आप सबका आशीर्वाद मिले और संगठन के प्रदेश तत्कालीन सदस्य कि हम सभी लोग जानते थे कि छठ और दीपावली भैया दूज की छुट्टी के बीच में 10 नवंबर को हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और इस देश के सारे पंचायतों के सबसे बड़े सदस्य सम्मानी उनका सभा जी का आग्रह हो कि हमने संगठनों के संघर्ष के बल पर बहुत सी उपलब्धियां हासिल की और आज उपलब्धियां हमें छीनी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं चूक तो है, कहां चूक है इसे हमें विचार करना होगा। आज विचार सम्मेलनों में से ही होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की यह बैठक 27 नवंबर को आगामी देवरिया जनपद के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में हमारा मंडली सम्मेलन आयोजित है। सम्मेलन में संगठन के एसोसिएट प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी की उपस्थिति रहेगी। संगठन के सभी शिक्षक विधायक, सभी प्रांतीय पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे और लगभग 5,000 शिक्षक गोरखपुर मंडल के उस सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। उस सम्मेलन की तैयारी हेतु यह बैठक गोरखपुर की जिला कार्यकारिणी की ओर से आयोजित है। इस बैठक में प्रदेशीय मंत्री श्री यशवंत सिंह, जिला अध्यक्ष श्री दिग्विजय नाथ पांडे तथा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य देवरिया जनपद में आयोजित होने वाले मंडली सम्मेलन की सफलता के लिए तैयारी और प्रचार प्रसार के कार्यक्रम तय करने हेतु आयोजित किया गया है। इस संबंध में अपने सभी सक्रिय साथियों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, साथ ही हम देवरिया जनपद के साथियों का क्या सहयोग कर सकते हैं इस मंडली सम्मेलन में, इस हेतु यह तैयारी बैठक आयोजित